जिला प्रशासन की ओर से आज। झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर की अध्यक्षता में आज समीक्षा बैठक की गई। ये बैठक गढ़वा के कलेक्टरेट बिल्डिंग में हुई, जिसमें राज्य में चल रही जलापूर्ति योजनाओं पर चर्चा हुई, साथ ही इन योजनाओं की समीक्षा भी की गई। इस बैठक में मंत्री मिथिलेश ठाकुर विभागीय सचिव के साथ गढ़वा जिले के पेयजल स्वच्छता विभाग के तमाम अधीक्षक अभियंता और अभियंता मौजूद रहे। इस समीक्षा बैठक में मुख्य रूप से जिन बिंदुओं पर चर्चा हुई, उनमें राज्य के सभी जल सहियाओं को मोबाइल हेतु राशि का स्थानांतरण, रेलवे पथ निर्माण विभाग, वन विभाग और अन्य संस्थाओं से एनओसी के लिए लंबित योजनाओं का जल्द से जल्द निस्तारण, राज्य में किए गए चापाकलों की अधिष्ठापन में शीघ्र हैंड पंप का काम करने संबंधी निर्देश, आगामी 6 महीने में तैयार होने वाले बृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं को शीघ्र चालू कर आम जनों को समर्पित करना और कार्य में शिथिलता बरतने वाले संवेदकों को चिन्हित कर उन्हें नोटिस करना इत्यादि रहा। जनता सर्कल की जो भी योजनाएं हैं उसके लिए